जय श्री राम। बहुत स्वागत है मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा और आपका अपना बेहद पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान लेकर के उपस्थित हूं। तो 5 फरवरी को मंगल कर रहे हैं अपना राशि परिवर्तन और कहां जा रहे हैं, अपने उच्चस्थ राशि मकर के अंतर्गत मंगल प्रवेश करेंगे 5 तारीख को। क्या होगा फल आप सभी के लिए, क्या रिजल्ट प्राप्त करेंगे 5 तारीख को मंगल के परिवर्तन पर, आज इसी विषय पर हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। किस राशि के लिए क्या रिजल्ट होगा इस पर मैं पूरी जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करूंगा। करीब रात्रि को परिवर्तन करेंगे मंगल, अर्धरात्रि के बाद जो मंगल का परिवर्तन है वो मकर राशि के अंतर्गत होने वाला है। सो एक से लेकर के मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या रहने वाला है, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, मंगल क्या देते हैं और मंगल के परिवर्तन से क्या फर्क पड़ता है, क्या अच्छा हो सकता है और क्या खराब हो सकता है। मंगल आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा प्राकर्म लेवल है, जो हमारा एनर्जी लेवल है, वो हमको मंगल से प्राप्त होता है। किसी कार्य को करने की जो ऊर्जा है वो हमको मंगल से प्राप्त होती है। सो जो आलस्य है वो दूर मंगल से होता है। तो ऐसे कंडीशन में मंगल का परिवर्तन हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स क्षेत्र को लेकर के, होटल इंडस्ट्री को लेकर के, कृषि कार्य को लेकर के, मशीनरी से रिलेटेड कार्य को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से को लेकर के, सो ये सारे क्षेत्र जो हैं इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मंगल का। अब मंगल जब मेष राशि में मंगल जब मकर राशि में जाएंगे 5 तारीख को, सो मेष राशि के स्वामी है, मेष राशि के लिए क्या रिजल्ट होगा। मेष राशि के लिए 10th हाउस में पहुंच करके मंगल शानदार रिजल्ट देने वाले हैं। रिजल्ट भी इस प्रकार का कि आप स्वयं सोचेंगे कि परिस्थितियां आपके लिए कितनी अनुकूल बना रहे हैं। एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेकर के आएंगे। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि होगा, कार्य में आपका अच्छे से मन लगेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। जो लोग प्रशासनिक सेवा इत्यादि के लिए पेपर दे रहे हैं उनको बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। सो मेष राशि के लिए अगर मैं बात करूंगा तो प्रोफेशनल दृष्टिकोण से मंगल का रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हाँ, क्रोध पर कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता होगी, जल्दबाजी में कार्य करने से बचना होगा और आलस्य बिल्कुल त्यागना होगा, मंगल का अच्छा रिजल्ट चाहिए। चलिए बात करते हैं दूसरी राशि वृष के लिए मंगल का परिवर्तन कैसा रहेगा। सप्तमेश होने के साथ साथ और उसके साथ मंगल सप्तमेश और द्वादशेश होकर के पहुंचेंगे भाग्य स्थान के अंतर्गत। विवाह कराने वाले होंगे, जीवन साथी के जीवन में बहुत ही शानदार परिवर्तन होने वाला होगा। विदेश में कुछ रुका हुआ कार्य आपका बनेगा लेकिन धार्मिक कार्य में मन कम लगेगा, वहां पर ध्यान देना होगा। मिथुन राशि के लिए बात करेंगे, जहां पर एकादश भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भावस्थ जाकर मंगल विराजमान होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य अगर रुका हुआ है तो वो कार्य आपका निश्चित रूप से बनने वाला है। खष्टेश का अष्टम भाव में जाकर के गोचर करना एक विपरीत राजयोग को तैयार करेगा, लेकिन उसके साथ शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाना आपके लिए घातक हो सकता है, वहां पर आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। आते हुए पैसे रुकने के संयोग रहेंगे, बट कोई पैसा, कोई धन अचानक वसीहत इत्यादि का धन जो है, या कोई अपनी संपत्ति आपको अचानक दे, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर आपके साथ बनने वाली है, तो एक अच्छी परिस्थिति होगी मिथुन के लिए। कर्क के लिए जब बात करते हैं, दशम और पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे। साहब ये बहुत शानदार योग है, अगर मैं कर्क के लिए बात करूंगा मंगल का परिवर्तन वाकई बहुत शानदार है। उसका रीजन ये है कि दशमेश का एग्जॉल्टेड होना, पंचमेश का एग्जॉल्टेड होना एजुकेशन के क्षेत्र में, प्रोफेशन के क्षेत्र में बहुत शानदार रिजल्ट देगा। जो बच्चे अपनी मैरिज को लेकर के बहुत परेशान हैं, माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता मानेंगे और आपके विवाह का जो सुंदर संयोग है वो निश्चित रूप से बनेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, क्रोध से आपको जरूर बचना होगा और मन में उत्पन्न होने वाले गलत विकार जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उन विकारों से अपने आप को बचाना होगा। प्रोफेशन के लिए, नौकरी के लिए, दोनों क्षेत्रों के, एजुकेशन के लिए और नौकरी के लिए, यानी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, चाहे वो व्यापार की बात करूं या नौकरी के लिए करूं,
मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। सिंह राशि में पहुंच जाते हैं जहां पर भाग्य स्थान के स्वामी हैं और उसके साथ फोर्थ हाउस के स्वामी होकर के सिक्स्थ हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपके लिए विदेश यात्रा के लिए सबसे शानदार रहने वाला है। प्रॉपर्टी इत्यादि निश्चित रूप से बनाने वाले हैं। यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस इत्यादि कोर्ट में चल रहा है तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है, आपके लिए बेहतर है। तो सिंह राशि के लिए भी मंगल का परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। कन्या राशि के लिए बात करेंगे, थर्ड लॉर्ड होकर के और एट्थ हाउस के स्वामी होकर के पंचम भाव में आकर के गोचर करेंगे। एक तो संतान का संयोग बनाए इस प्रकार की परिस्थिति है। जिन नवदंपति को संतान की इच्छा है, संतान नहीं प्राप्त हो रही है, उनके लिए संतान के संयोग को जरूर बनाएंगे इस प्रकार का। ध्यान रखिएगा, भाई बहनों के जीवन में सुंदर परिवर्तन आएगा। भाई बहनों से चल रहा खराब रिलेशन बेहतर होगा, तो मंगल यहां पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं कन्या राशि में। तुला में जब बात करते हैं, सप्तमेश और उसके साथ द्वितेश होकर के मंगल का जो परिवर्तन रहने वाला है, फोर्थ हाउस में जाएंगे, यानी जीवन साथी का काम प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई अटका हुआ था तो वो कार्य आपका बनने वाला है। प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होने वाली है, यानी प्रॉपर्टी इत्यादि जो खरीदने का संयोग है वो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत बन रहा है। स्पेशली 22 से 28 वर्ष की यदि उम्र है तो प्रॉपर्टी जरूर प्राप्त होगी। विदेश यात्रा का भी संयोग मंगल आपके लिए बनाएंगे। बात करेंगे वृश्चिक राशि को लेकर के, जहां पर मंगल जो है वो छठे और खुद के राशि स्वामी है, थर्ड हाउस में जाकर गोचर करेंगे। जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो रहा था, लग रहा था कि नहीं जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, उनके लिए ये बहुत शानदार संयोग है। आप निराशा से बाहर निकलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कई सारी प्रदेशिक यात्राएं होंगी, सफलता प्राप्त होगी। अत्यधिक उत्साही होने से बचना है, जल्दबाजी में कोई कार्य करने से आपको जरूर बचना होगा, आपको अच्छे रिजल्ट मंगल के प्राप्त होने वाले हैं। शुभ वृश्चिक के लिए बेहतर परिवर्तन है। धनु के लिए पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के मंगल सेकंड हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। धन का तीव्रता से आगमन होगा, यानी पैसा अत्यधिक आएगा, कोई अच्छा पोजीशन, उच्च पद भी इत्यादि आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन घर में क्लह इत्यादि का वातावरण रहेगा, उससे आपको सावधान रहना होगा, क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा, जल्दबाजी में कार्य करने से बचना होगा। मकर राशि, जहां पर मंगल स्वयं एग्जॉल्टेड होंगे, चतुर्थेश और एकादशेश होकर के शेयर मार्केट से लाभ, रुका हुआ पैसे की प्राप्ति, प्रॉपर्टी इत्यादि की प्राप्ति, उच्च पद इत्यादि की प्राप्ति, पर अहंकार से बचने की आवश्यकता। उच्च पद प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, पैसा प्राप्त होगा, ये सारे लाभ होने वाले हैं। जिनके साथ दिल से मिलने की इच्छा पाल रखी थी वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, बट ध्यान रखिएगा अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होगा आपके लिए, उससे बचेंगे तो ही इनका अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। चलिए कुंभ राशि, जहां पर 10th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी होकर के 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के विराजमान होंगे। विदेश में नौकरी अगर सर्च कर रहे हैं, फॉरेन में नौकरी सर्च कर रहे हैं, डेफिनेटली वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। अपनी कंट्री में हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन किसी सोर्स के द्वारा कर रहे हैं, कोई तरीका निकाल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके सोर्स, आपके तरीके काम करेंगे, गवर्नमेंट जॉब से आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। स्पेशली विदेश के लिए सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। भाई बहन अपने जीवन में तरक्की करेंगे, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। मीन राशि के लिए जब बात करेंगे, मीन राशि के लिए मंगल एकादश भाव में उच्चस्थ होंगे, भाग्य के स्वामी होकर के और धन भाव के, साफ शेयर मार्केट आपके लिए पूरे दरवाजे खोलने वाला है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये चार क्षेत्र हैं जहां से धन की वर्षा होने वाली है आपके ऊपर। तो मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं, इन क्षेत्रों से बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। भाग्य का पूरी तरह से सहयोग प्राप्त होगा, मन में पूरी तरह से प्रसन्नता रहेगी, आर्थिक लाभ और घर में मांगलिक कार्य का आयोजन जरूर होगा। आपके संपर्क से जो बड़े लोगों से संपर्क हैं, वो संपर्क भी आपके लिए कुछ नए कार्य लेकर के आएंगे, तो बेहतरीन होगा। जिनके लिए मंगल की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है,
आपसे एक निवेदन करूंगा, आपको क्या करना चाहिए। छोटे बच्चों का सम्मान करना चाहिए, युवाओं के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। प्रतिदिन दिन की शुरुआत ऊर्जा के साथ कीजिएगा, भगवान कृपा करेंगे, परिस्थितियां बहुत बेहतर होगी। बहुत प्रसन्न रहें, इन्हीं शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।